दिल्ली के अंदर 5 एमसीडी चुनाव के जो नतीजे आने थे वो आज आ गए हैं। दिल्ली के 4 सीटों पे बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली की 3 एमसीडी में बीजेपी कायम है और बीजेपी ने वहाँ पे अपनी सरकार बना रखी है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का 5 में से 4 सीटें जीतना और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाना, ये कहीं ना कहीं अब बीजेपी के खतरे की घंटी है। अगर बीजेपी ने अपना काम, अपना नाम तरीके से नहीं बदला, अपने लिए चेंज नहीं लाई, तो आने वाले इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी को और बुरी हार देखने को मिले। आप देख सकते हैं इस वक्त हम न्यू उस्मानपुर के काउंटर सेंटर पर खड़े हैं, यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और यहाँ पर कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार एमसीडी में ये कांग्रेस की पहली जीत है। इससे पहले सारे इलेक्शनों के अंदर कांग्रेस 0 रही है, मगर उसका ये पहला जीत, ये पहली विक्ट्री बहुत अहमियत रखती है। और इसके बाद जो 4 सीटें बचती हैं उसमें आम आदमी पार्टी का जीतना भी बहुत अहमियत रखता है, मायने रखता है। बीजेपी अगर अपने काम, अपने तरीके को नहीं सुधारेगी, लोगों के बीच में अपनी पैठ नहीं बनाएगी, तो ये 0 उसके लिए आगे 0 कंटिन्यू बन सकता है। अब आप खुद देखिए यहाँ पे जश्न किस तरीके से है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया था अपने उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के लिए, मगर वो भी काम नहीं आया। और यहाँ पे कांग्रेस की जीत का ये साफ साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में अभी भी कांग्रेस जिंदा है। यह वही काउंटर सेंटर है, यहाँ काउंटिंग हो रही है और यहाँ पे अब लगभग कांग्रेस की जीत कंफर्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ ये जश्न देखिए, यहाँ पे शायद ही किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार या कोई भी उसका कार्यकर्ता दिखाई देगा, मगर यहाँ पे कांग्रेस के झंडे, बैनर और ये अब ऐसे जश्न दिखने लगे हैं। यहाँ अब यह गढ़ कांग्रेस के नाम हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से लोगों के अंदर जोश है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे इस विजय को, इस कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों साइड जश्न का माहौल है और यह नज़ारा है न्यू उस्मानपुर का। यह चौहान बांगर सीट है जहां से कांग्रेस ने 1 सीट जीत के अपनी दर्ज यहां पे उपस्थिति की है। और अब कांग्रेस के खाते में भी कहने के लिए दिल्ली में अब 1 सीट है, तो यह कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है और बीजेपी के लिए टोटल बहुत बड़ा झटका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों के अंदर जश्न का माहौल है और लोग अपनी पार्टी कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहे हैं। मतीन जी, कांग्रेस 0 थी इससे पहले, मगर अब कहने के लिए उसकी 1 सीट दिल्ली के अंदर आ चुकी है और वो भी आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपका ये पुराना विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से आपके बेटे ने भी दर्ज की है, ये कितनी बड़ी विक्ट्री है आपके लिए? हमारे सबके लिए बड़ी विक्ट्री है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमसे लोग नाराज हैं, लेकिन जो हमारे साथियों ने केजरीवाल के झूठ का पुलंदा खोला है उसे सबके सामने हकीकत आ गई और वो लोगों ने 0 कर दिया उसको। केजरीवाल ने यहाँ पे रोड शो किया था, सीधा सीधा कहा था कांग्रेस 0 है, कांग्रेस को वोट देना मतलब बेकार करना अपना वोट। ऑडियो कैसेट चल रहा था उनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसके मिनिस्टर इमरान 1.5 महीने से पढ़ा था अमानतुल्ला, महीनों सारी चेयरमैन, सारे बोर्ड, सारे आंगनवाड़ी सब कुछ झोंक दिया उन्होंने, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। 10,000 से ज्यादा से लीड इस टाइम कांग्रेस की यहाँ पे है जी। एक तरीके से ये माने कि यह सीट कंफर्म हो चुकी है और इतनी बड़ी जीत दर्ज करना आपके क्षेत्र में आपके बेटे द्वारा, कितना बड़ा कांग्रेस को ये गिफ्ट है? बेटे द्वारा नहीं, जो सब खड़े हैं सबके द्वारा, मेरे साथियों के द्वारा, मेरे कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा, ये इन साथियों की जीत है। मेरे रात दिन इन्होंने मेहनत की है, सब मनुष्य अकेले से, मेरे बेटे से अकेले से कुछ नहीं होता, हम सब मिलेंगे तो फिर ताकत बनेगी और आगे भी लड़ेंगे और हराएंगे। सर, जैसे कि आपने 21 साल राज किया है, राज नहीं किया, सेवा की है सीट पर, तो अगले साल फिर इलेक्शन है M3D का, तो जुबैर जी भी रहते रहेंगे? जुबैर, ये वक्त पर देखेंगे क्या होगा, राज नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, वो आगे। यह जीत है, यह
यहाँ से कांग्रेस की ओर, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के उनकी जीत है। और ये आप देखिए लोगों में कितना जोश है, कितनी उमंग है। ये देखिए ये कांग्रेस के यहाँ से जुबेर अहमद हैं जिन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। और ये देखिए जीत के बाद लोगों के बीच में आके जिस तरीके से अपना उत्साह, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उतना ही जोश यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के लोगों के अंदर भी है। भूमिका अरविंद केजरीवाल की इसलिए थी, अगर वो चाहते तो दंगे नहीं होते, अगर वो मोजपुर चौक पर आके खड़े हो जाते दंगे नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले 1000 पैरामिलिट्री के फोर्सेस को लेके वो इलाके में रोड शो करने आए थे 25 तारीख को। अगर एक साल पहले 22 तारीख को वो आ जाते, 22 फरवरी को, तो दंगा नहीं होता। इसलिए उनकी भूमिका। ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2022 का, तो फाइनल का, फाइनल में आपके फाइनल तक की आपकी 2022 में कांग्रेस तीनों निगमों में वापसी करेगी इंशाल्लाह। उसके लिए आप जो है किस तरीके की आपकी रणनीति है उसके? मैं पूरी दिल्ली में अवेयरनेस के लिए मुहिम चलाऊंगा कि लोगों को अवेयर कर सकूं, अरविंद केजरीवाल की सच्चाई बता सकूं कि लोग मुसलमानों के साथ जो इन्होंने हरकत करी है उसका जवाब ये चौहानमागर वार्ड ने दिया है उसको। अब पूरी दिल्ली में कोशिश करूंगा कि मुसलमानों को अवेयर करूं उसके। तो अब जब आपकी जीत हो चुकी है तो अब अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके का आप आज जश्न मनाएंगे? शांतिपूर्वक हमने वादा किया कि हम कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, यहाँ से सिर्फ घर तक जाएंगे, कोई हुटिंग नहीं करेंगे, किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी को नारेबाजी खिलाफ नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? संयम बरतें,